नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं विशेष। आफत बरस रही है इन दिनों गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में। आसमानी आफत लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बनती जा रही है, मुसीबतें बढ़ा रही है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में बर्बादी वाली बाढ़ ला दी है। द्वारका तैरता दिख रहा है, जूनागढ़ में जल प्रलय बनकर बरस रहा है, तो सैलाब ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस बार के मॉनसून सीजन में औसत के मुकाबले अभी तक 38% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा 55% बारिश सौराष्ट्र जोन में हुई है। कच्छ क्षेत्र में सीजन की औसत वर्षा का 50%, दक्षिण गुजरात में 39, उत्तर गुजरात में 23% और पूर्व मध्य गुजरात में 23% ज्यादा बारिश अब तक दर्ज की गई है। सैलाबी सितम से लोग परेशान हैं, अब लोग बोल रहे हैं हे इंद्रदेव अब बस करो। जिनके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद सैलाब में फंस गए। देखिए द्वारका के कल्याणपुर तहसील के पनेली गांव में कैसे सैलाब का कब्जा दिख रहा है। दरअसल यहाँ इलाके में फंसे 3 लोगों को बचाने गई एनडीआरएफ की टीम भी सैलाब के बीच फंस गई। आनन फानन में एयरफोर्स को इसकी खबर दी गई। इसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने एनडीआरएफ की टीम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए कैसे देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के जवान, एक एक करके बाढ़ में फंसी राहत टीम को धीरे धीरे ऊपर खींच रहे हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद एयरफोर्स ने सभी लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया। द्वारका में 6 घंटे में 10 इंच की मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। गुजरात के राजकोट समेत कई जिलों में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है। राजकोट के उपलेटा से मनावदर की तरफ जाने वाली रोड पूरी तरह गायब हो गई। अब यहां मानो सड़कों पर समंदर बह रहा है। लाट गांव में 5 से 6 फीट पानी भरा है। यहां 14 इंच की बारिश में गांव के 550 घर और करीब 2,250 लोग 5 फीट पानी के बीच रहने को मजबूर दिख रहे हैं। राजकोट जिले के उपलेटा तालुका के लाट गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं। आज सुबह 2 घंटे के अंदर लगभग 14 इंच जितनी बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस रोड पे फिलहाल हम मौजूद हैं, वहां से गांव की जो कनेक्टिविटी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। पूरा गांव चारों तरफ से जलमग्न स्थिति में यहाँ पे देखा जा रहा है। सामान्य तरीके से अगर बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र हिस्से के जूनागढ़ की बात करें, पोरबंदर की बात करें, या द्वारका की बात करें, या अब राजकोट की बात करें, लगातार पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई गांव, कई रोड रास्ते जो हैं वो बंद स्थिति में देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को सौराष्ट्र के द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दक्षिण गुजरात में नवसारी, वलसाड, दमन, दादर नगर हवेली में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। अभी जब सुबह से अब तक 10-15 इंच बरसात बारिश हुई है, तो उससे क्या हुआ है, नदी भी फूल जा रही है। यहाँ की भादर नदी फूल जा रही है और यह गाँव का पानी, बारिश का पानी होने के कारण ये रोड रास्ता में थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ है। जूनागढ़ के हालात भी बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार 5वें दिन बारिश की वजह से लोगों में डर बैठ गया है। देखिए लग ही नहीं रहा कि यहाँ कभी सड़क भी थी, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिख रहा है। जूनागढ़ में लगातार 5वें दिन भी बारिश, भारी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दामोदर कुंड है, जहाँ पर आप पानी का प्रवाह है, उसका जो उफान है वो देख सकते हैं कि तेज प्रवाह से पानी यहाँ से बह रहा है। ये वही पानी है जो सोनरक नदी के उफान से आता है। करीबन गिरनार पर आज 7 से 8 इंच बारिश हुई है। 2 घंटे में इतनी बारिश की वजह से पूरा जो दामोदर कुंड है वो छलक उठा है और यही सब पानी है वो पूरे जूनागढ़ शहर में भी जाएगा और इसी की वजह से जूनागढ़ में भी जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि जूनागढ़ के ज्यादातर जो इलाके हैं वो इलाके में औजत नदी के बांध से और जूनागढ़ के जो गिरनार के पहाड़ियों पर जो बारिश होती है वो पानी वहां तक पहुंचता है।
जूनागढ़ में तेज बारिश की वजह से गिरनार की पहाड़ी पर खूबसूरत नजारे दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर दामोदर कुंड में पानी का प्रवाह लोगों को अलर्ट कर रहा है। इस साल यहाँ पे भवनाथ के ये दामोदर कुंड है तो पानी का बहुत ज्यादा बहाव होने के कारण ऐसे देखने में तो अत्यंत दुर्लभ लग रहा है, लेकिन साथ में डर भी लग रहा है कि ये पिछले साल की तरह यहाँ पे जो पानी का बहाव बढ़ रहा है और जो 5 दिनों से बारिश चल रही है। गुजरात के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुजरात में इस बार के मानसून सीजन में औसत के मुकाबले अभी तक 38% से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक 55% बारिश सौराष्ट्र जोन में हुई। कच्छ क्षेत्र में सीजन की औसत वर्षा का 50%, दक्षिण गुजरात में 39%, उत्तर गुजरात में 23% और पूर्व मध्य गुजरात में 23% ज्यादा बारिश अब तक दर्ज की गई है। लगातार बारिश और उसके बाद बाढ़ ने बेहद खूबसूरत शहर की सूरत भी बिगाड़ दी है। सूरत के रिहायशी इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सैलाब के सितम से वो कैसे बचें। देखिए कैसे चंद घंटों की बारिश ने सूरत को क्या से क्या बना दिया। अब ये देखिए, सड़कों पर जल भराव के बाद गाड़ियां पूरी तरह डूबी नजर आ रही है। कार और मोटरसाइकिल मानो चल नहीं तैर रही है। वीआईपी रोड पर महावीर कॉलेज के बाहर सड़क पर जल भराव के बाद कई कार और बाइक डूब गई। जूनागढ़ से भार्गव जोशी, राजकोट से अतुल तिवारी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक। गुजरात में आसमानी आफत बरस रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक गुजरात वालों को भारी बारिश से राहत मिलती दिखाई नहीं देती। गुजरात में मूसलाधार बारिश बर्बादी की बाढ़ लेकर आई है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। राज्य के 16 बड़े जलाशय ओवरफ्लो हो चुके हैं या होने के करीब हैं। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध समेत 36 जलाशयों और 25 बांधों के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है, जो अपनी कुल क्षमता के 50 से तकरीबन 70% तक भरे हुए हैं। गुजरात सरकार ने बताया है कि शुक्रवार से हो रही भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर बांध में जल भंडारण 55% से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा 206 दूसरे जलाशय अब तक अपनी भंडारण क्षमता करीब 40% तक पूरी कर चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को सौराष्ट्र के द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दक्षिण गुजरात में नवसारी, वलसाड, दमन, दादर नगर हवेली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको हमने दिखा दिया कैसे गुजरात के कई जिले सैलाब के आगे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब महाराष्ट्र में देखिए कैसे बारिश लोगों को डरा रही है। मुंबई समेत कई जिलों में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। रिहायशी इलाकों पर सैलाब का कब्जा है। निचले इलाकों पर एक बार फिर से डूबने का खतरा मंडराने लगा है। समंदर की लहरें भी जैसे तबाही मचाने को बेकरार है। मुंबई के अलावा चंद्रपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। चंद्रपुर में सैलाब में फंसी एक 100 साल की महिला को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। गढ़चिलौली में सैलाब से गिरी एक गर्भवती महिला को जेसीबी के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, तो दूसरी जगह पर भी प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि उफनते नदी नालों से वो उचित दूरी बनाकर रखें। सरकार भी सैलानियों से बोल रही है कि इस मौसम में जानबूझकर पानी से पंगा ना लें और ना ही रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालें। माया नगरी में जब जब बारिश आती है अपने साथ मुसीबत ले आती है। चंद घंटे की बारिश में शहर की सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आता है। लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरने लगता है, वहीं समंदर की लहरें भी तबाही मचाने को बेकरार दिख रही हैं। मरीन ड्राइव पर पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है कि समंदर किनारे पानी से पंगा ना लें। पिछले 2 दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बरसात देखी जा रही है। सोमवार के दिन सुबह में भी रिमझिम जो बारिश है वो मुंबई में कई इलाकों में देखी गई थी। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा यानी कि 22 तारीख आज
कि सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा अगर देखें पिछले 24 घंटों में, कई ऐसी जगहें हैं मुंबई में जहां पर 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है। कल आप कह सकते हैं कि रविवार के दिन भी कई जगहों पर मुंबई में जल भरा हुआ था। फिलहाल मुंबई में आज दोपहर तक में हाई टाइड है, 4.5 मीटर लंबी हाई टाइड है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये समुद्र में उछाल जो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं इसी हाई टाइड के चलते हैं ऐसा माना जा सकता है। और इस वक्त आप कह सकते हैं मौसम विभाग ने यहाँ पर मुंबई में बारिश का जो अंदेशा है वो दिया हुआ है, सतर्क रहने के लिए सिटीजन्स को कहा गया है। मुंबई में 21 जुलाई सुबह 8 बजे से ही आसमानी आफत लोगों पर बरस रही है। 135 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश से कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। अब नवी मुंबई की इन तस्वीरों को देखिए। रविवार को मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आए उफान से कुछ लोग इस नाले के पार फंस गए। देखिए कैसे रस्सी के जरिए इन लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद इन लोगों को रस्सी के जरिए नाला पार कराकर सुरक्षित निकाल लिया गया। गढ़चिरौली के कई इलाके भी सैलाब की मार सह रहे हैं। अब गढ़चिरौली से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक गर्भवती महिला सैलाब के बीच फंसी थी। उसके हॉस्पिटल जाने के सभी रास्तों पर पानी का कब्जा था, जिसके बाद एक JCB की मदद से उसे सड़क पार कराई गई। प्रेग्नेंट महिला के रेस्क्यू का ये वीडियो 19 जुलाई का बताया जा रहा है। महिला JCB के जरिए सैलाब पार करके काफी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंची। दरअसल गढ़चिरौली में इस इलाके में 2 दिन की मूसलाधार बारिश में यहां बना वैकल्पिक रास्ता बह गया था। गनीमत रही कि गर्भवती महिला के पास मदद समय रहते पहुंच गई। उधर सुकमा से भी बाढ़ के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुकमा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। यहां जलजमाव की वजह से कुछ लोगों को 20 किलोमीटर तक चारपाई पर एक शव लेकर जाना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्हें कोई साधन नहीं मिला, जिसके बाद इन लोगों को काफी देर तक पैदल चलना पड़ा। तकरीबन 20 किलोमीटर तक चारपाई पर डेड बॉडी लेकर जाती हुई ये तस्वीरें सुकमा की हैं। तो हॉस्पिटल ले गए थे इनको, मतलब हॉस्पिटल में नहीं हो इलाज नहीं हो पाया, तो फिर अपने गांव ही तनपाड़ में ले गए थे बड्डे की। वहीं पे कल करीबन 3 बजे करीबन अंतिम संस्कार किया है, तो आज उनके गांव अगले परिकर में पहुँचा गया। इधर से कैसे घूम के आना हुआ? ये नाला भर गया तो इधर से। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी जलजमाव और लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। तो देश के कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर बारिश का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।